हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बनाएंगे स्किन ग्लोइंग के लिए पैक, और बहुत दिन बाद, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद ये वीडियोस आई है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। और घर के इंटीरियर इन चीज़ों से बनाएंगे जो सबके घर में मौजूद होती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। तो यहाँ लिया है हमने एक चम्मच बेसन जो सबके घर में होता है, और आधा चम्मच हमने शहद ली है, और आधा चम्मच हमने नींबू लिया है, मतलब आधा ही नींबू लिया है हमने, और एक चुटकी हमने हल्दी ली है। और डियर, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। और अब आपको रेगुलर कोई ना कोई वीडियो वीकली मिलती रहेगी, वीकली एक ना एक वीडियोस तो या व्लॉग ज़रूर डालूँगी मैं अपने चैनल पे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना और कमेंट ज़रूर करके जाना। और ये बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए हैं, जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, बॉय भी यूज़ कर सकते हैं, गर्ल भी यूज़ कर सकती है। और ये डियर एकदम, मतलब बहुत अच्छे वाला रिज़ल्ट आने वाला है इस वीडियो से। तो ये तो हमारा तैयार हो गया ग्लोइंग पैक। इसको हम स्मूथ बनाने के लिए 5 मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स कर रख देंगे। अगर आपके घर में कर्ड हो तो कर्ड भी ज़रूर डालना। मेरे घर में अभी नहीं था कर्ड, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। अगर आप कट डालोगे तो और भी अच्छी शाइनिंग भी, चमक भी आएगी स्किन पे। तो ये आप लोग रेगुलर यूज़ करोगे ना डियर, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ देखो, अब मैंने उसको स्मूथ करने के लिए घोल कर रख दिया है पैक को, और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने फेस की मसाज। मसाज मैं किससे कर रही हूँ, कीवी। कीवी के छिलके नहीं लेने हैं आपको, कीवी का एक डकरा लेना है, एक बाइट लेनी है कीवी की, स्लाइस काट के, और उससे आपको अपने फेस की मसाज करनी है। जिसके फेस पे डार्क स्पॉट होते हैं, जैसे काले काले से धब्बे होते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाली है ये वीडियो। अगर आप कीवी से रेगुलर, आप कीवी से अपने फेस की इस तरीके से मसाज करते हो, और जब कीवी का दकड़ा जो है, स्लाइस जो है, अपना ब्लैक वाला जो तिल होते हैं वो स्किन पर छोड़ दे, उसके बाद आपको अपने हाथों से अच्छे से स्टेप यूज़ करने हैं फेशियल वाले, फोरहेड पे और अपने डार्क स्किन स्पॉट पे, जहाँ जहाँ आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट हैं ज़्यादा, वहाँ वहाँ आपको काफ़ी अच्छे से मसाज करनी है सिर्फ एक कीवी से, कीवी के स्लाइस से। और ये आसानी से सबके घर में मिल जाती है, ये खाने के लिए भी अच्छी होती है और डियर फेस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हमें फेस नहीं धोना, डायरेक्ट ही ये जो पैक हमने स्मूथ करके रखा हुआ था इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, कुछ इस तरीके से अपने हाथों से पूरे अच्छे से मोटा मोटा लगाना है, पतला नहीं लगाना है, काफ़ी मोटा मोटा लगाना है इसको। देखो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, तो पूरे फेस पे बहुत अच्छे से लगा लेना है इसको। जो कीवी आपने मसाज की है वो आपकी स्किन के अंदर वर्क कर रही है, उसके बाद आपको ये पैक यूज़ करना है, ठीक है, उसको लॉक करने के लिए, कि जो कीवी का आपने मसाज किया वो अच्छे से लॉक हो जाए। तो यहाँ देखिए, मैं अपनी आईज़ के ऊपर भी लगा रही हूँ कि डार्क सर्कल जो हो रहे हैं आजकल नींद पूरी नहीं होने की वजह से अच्छे से, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो अभी मेरी पोजिशन कैसी है और नींद पूरी नहीं होती है अच्छे से, तो इस वजह से मैं अपनी आईज़ पर भी लगा रही हूँ थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए। तो यहाँ देखिए, मैंने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और डियर, ये एक बार यूज़ करने से आपको रिज़ल्ट नहीं पता चलेगा इतना अच्छा, बट आएगा तो सही आपको, मतलब 100 में से आपको 50% दिखाई देगा, लेकिन बहुत अच्छे से 99% आपको नहीं दिखाई देगा। वो आपको जब ही दिखाई देगा जब आप वीकली इसको 2 से 3 डेज़ यूज़ करोगे, हफ्ते में 2-3 बार इसको यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाई देगा। और डियर, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, सिर्फ 15 मिनट्स लगते हैं आपको पूरा ये इंटीरियर यूज़ करने में, क्योंकि पैक को पूरे अच्छे तरीके से नहीं सुखाना, हमें सिर्फ 5 to 8 मिनट्स के लिए ही पैक को अपनी स्किन पर रखना है। और क्योंकि ये सूखेगा बिल्कुल भी नहीं, इसमें शहद है तो ये अच्छे से बिल्कुल भी नहीं सूखेगा, तो इसलिए इसको सुखाने का वेट नहीं करना, हमें सिर्फ 8 मिनट के लिए, हमने 8 मिनट के लिए इसको या 10 मिनट्स के लिए इसको लगाना है, और 5 मिनट्स हमने फेस की मसाज करनी है कीवी से। तो यहाँ देखिए, मैंने अच्छे से लगा लिया है। तो डियर, आप लोग कमेंट ज़रूर करना वीडियो अच्छी लगे,
और मेरी अब वॉइस पे थोड़ा ध्यान मत देना क्योंकि ना कोल्ड लगा हुआ है। तो जिस जिसको जैसे समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना किसको कितना समझ में आया, और इसका डेफिनेटली आपको पक्का 100% रिज़ल्ट मिलेगा, पर जिस तरीके से मैंने कहा है उस तरीके से यूज़ करने के बाद। और ये थोड़ी सी वॉइस अवॉइड करना, ये पीछे गली में मॉर्निंग का टाइम है, मैं जो एडिटिंग कर रही हूँ और ये जो वॉइस आ रही है नीचे, जो हैं सब्जी वाले अंकल भैया सब आते जाते रहते हैं तो वो लोग पीछे बोल रहे हैं, तो आप लोग अवॉइड करना। उसके बाद देखो, फेस को डायरेक्ट आपको वॉश नहीं करना है, जो आपने मसाज लगाया था उसको हैंड से, अपने हैंड से सिर्फ इस तरीके से मसाज करनी है कि ताकि आपकी स्किन में अच्छी तरह से ये लॉक हो जाए जो आपने यूज़ किया है। ये देखिए मैं किस तरीके से मसाज कर रही हूँ, पैक की भी आपको 2-3 सेकंड के लिए मसाज देनी है, एकदम फेशियल वाले स्टेप की तरह। ये देखिए मैं किस तरीके से दे रही हूँ, ये गिरेगा नहीं बिल्कुल भी आपका नीचे, बट ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मसाज कर 2-3 सेकंड के लिए, तो आपकी अच्छे से आपकी स्किन में लॉक हो जाए और अच्छे से शाइन करे आपकी स्किन, ग्लोइंग करे, और जो डार्क स्पॉट हैं आपकी स्किन पे वो जल्दी से फटाफट हट जाएं। ये देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, नेक पे भी ले रही हूँ, जहाँ जहाँ पैक मैंने यूज़ किया था वहाँ वहाँ मैं पूरी अच्छे तरीके से मसाज ले रही हूँ। इस तरीके से और कुछ भी यूज़ करने से पहले ना डियर फेस को वॉश ज़रूर कर लेना। मेरा फेस वॉश करके ही मैं आई थी, एकदम से सो के उठी थी और तभी मैंने ये एडिटिंग की थी, सो गई थी मैं, ये मैं इवनिंग में कर रही थी शूट। तो उसके बाद मुंह धोना है आपने, तो अभी देखिए मैं मुंह धो के आती हूँ फिर आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। मैं अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, अब आप देख सकते हो कुछ भी फेक वीडियो नहीं है, जो भी था आपके सामने ही था और रिज़ल्ट है वो भी आपके सामने ही है। अभी मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, नोज़ देख सकते हो आप कितनी लाइट मार रही है, कितनी शाइन कर रही है नोज़, क्योंकि नोज़ ही जो होती है वो चमके अगर स्किन फेस पे तो सारा फेस ही ग्लो करता है उससे। तो देखिए नोज़ कितनी अच्छे से शाइन कर रही है। तो आज के